खबर बाराबंकी जनपद से है, जहां सिरौली गौसपुर गोपालपुर मजरे खलसापुर के रहने वाले राम सहारे पाल व उनके छोटे भाई संजय पाल के बीच घर के बंटवारे को लेकर अक्सर वाद विवाद चलता रहता था। इसी बीच 15 तारीख को संजय पाल अपने घर से बिना बताए कहीं चला गया, जिसके बाद संजय पाल की पत्नी राम लली ने राम सहारे व मंझले भाई पर आरोप लगाया कि उसके पति को कहीं छुपा दिया गया है। संजय पाल की पत्नी की दी हुई तहरीर के अनुसार संजय पाल सोमवार रात 2 बजे घर से निकले थे, जबकि गांव के कुछ लोगों का कहना है कि वह सुबह 6 बजे निकले थे, जिनको ग्रामीणों ने निकलते हुए देखा। वहीं राम सहारे का कहना है कि उनको फर्जी फंसाया जा रहा है। उनके बारे भाई का विवाद कई लोगों से पहले था, जो कि पैसों के लेन देन के कर्जदार पैसा मांगने आते थे, जिसको लेकर वह दिमागी टेंशन में था। इसी बात को लेकर वह घर से भाग गया। संजय पाल ससुराल वाले भी हमें जान से मारने की धमकी देते हैं। बाराबंकी जनपद से सुनील कुमार की रिपोर्ट। दादाजी क्या मामला है आपका? आपका भाई भाई का बंटवारा। भाई भाई के बंटवारे का झगड़ा है। कहाँ रहते हैं आप? गोपालपुर गांव, खजूरी गोपालपुर। तहसील आपकी कौन सी लगती है? थाना कौन सा लगता है? दरियाबाद। जी सर बताए क्या मामला है आपका? पूरा मामला बताऊं? क्या मामला है आपका दादा? आपका मामला हमारा दोनों भाइयों का बंटवारा है। हाँ। अब वो रात में पता नहीं गुस्सा गर्मी से यहाँ से चले गए। अच्छा बंटवारे का मामला था। हाँ। लेकिन रात में कुछ गुस्सा हो गए, बाहर चले गए कहीं। हाँ बाहर चले। अच्छा तो और क्या, और कुछ कुछ हो? आपका क्या नाम है दादा? राम सहारे। अच्छा उनका क्या नाम है? संजय कुमार। संजय कुमार। हाँ। कौन सी बिरादरी है? पाल। पाल हैं आपके छोटे भाई थे, सगे? हाँ सगे छोटे भाई थे। अच्छा तो दादा जो भागे हैं तो आपका कुछ झगड़ा हुआ था या फिर ऐसे? झगड़ा कुछ नहीं, बड़ा थोड़ी थोड़ी बात रहा, कोई झगड़ा ही कोई नहीं। झगड़ा लड़ाई नहीं थी, सिर्फ बंटवारे का मैटर था। हाँ, अच्छा तो आप, आपको कौन परेशान कर रहा है? कोई परेशान कर रहा है? अब पुलिस वाले आप मान लियो एक दिन आए रहे तो कहा तुमका अंदर कर दिया, तुम जेल से छुट्टी हो ना। अच्छा पुलिस वाले कह रहे थे, तो पुलिस वालों को सूचना किसने दी आपके आपके खिलाफ? आपके खिलाफ हमारे भाई हो देश भाई खमरे जो आपका वहीं पर। तो भाई किसने दिया है? दिया भाई की वाइफ ने दिया। हाँ। अच्छा तो आगे क्या चाहते हैं आप? आगे चाहते हैं कि झाड़ लड़ाई हम करना चाहते करवे हम। क्या चीज़? झाड़ लड़ाई वाली बात हमें सब समझ से नहीं है। अच्छा आपको फर्जी परेशान कर रहे हैं? जी परेशान कर रहे हैं दादा। हाँ तो बताइए। हमका कमज़ोर समझ के आप परेशान किया जा रहा है, फर्जी परेशान किया जा रहा है। आपका उनसे कोई झगड़ा नहीं था? बंटवारे का मैटर था। हाँ। अच्छा उसमें छोटी छोटी बात हुई, छोटी बात से आप मान लियो यहाँ से घर से चले गए। तो उनकी पत्नी ने आपके खिलाफ जो FIR दी है? FIR दी है। अच्छा पुलिस जब आई थी आपके घर तो पुलिस ने क्या बताया आपसे? क्या बताया आपसे? हमसे बताया कि आप जो को हम अगर हेर के लग न दिया हो तो आपका जेल हो जाएगी। अच्छा तो क्या पुलिस जानते कि आपने ही भगाया है? अब हम कहते रहे हैं कि आपका जेल हो जाएगी। अच्छा पुलिस प्रशासन आपको फर्जी परेशान कर रहा है, आपके ऊपर ब्लेम लगा रहा है? हाँ कहा था नहीं कर लिया तुमका अंदर कर दिया। अच्छा दरियाबाद। दरियाबाद। अच्छा तो दादा आपको कौन धमकी दे रहा है? धमकी दे रहे हैं ससुराल उनके साली उनके सराहज। अच्छा जो लड़का भगा है उसकी पत्नी के घर वाले? घर वाले आपको धमकी दे रहे हैं? हमको धमकी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुमका मारा मारने को कह रहे हैं? हाँ। अच्छा तब भाई तुम पता लगा हमका दिया हो? अच्छा हाँ तुमका बहुत मारा बेल्टन से मारा। हाँ बेल्टों से मारने को बता रहे हैं? बेल्टों से मारे हैं। ये जब तुम बताए हो जब मारे जेल तब बताए तुमका जेल के अंदर का करवा दिया भाई। अच्छा तुमसे कोई मतलब नहीं है? आपसे कोई मतलब नहीं है? हाँ। क्योंकि आपका जमीन का बंटवारा था ना? हाँ मतलब हमारा उनका मतलब घर का बंटवारा जमीन का बंटवारा खाली बंटवारा है। तो आपका कुछ क्या शक है? आप कहीं भागे हैं या कैसे क्या है, कुछ जानकारी है आपको इसकी? हमका जानकारी नहीं है। हाँ। कब भागे हैं, कहाँ रात में भागे हैं, कहाँ थे क्या? 12-1 बजे करीब में, 1-2 बजे करीब में। अच्छा एक रात को? रात को। दादा गाँव के लोगों का क्या कहना है? गाँव के लोगों का कहना है ये सब मान लियो 2 बजे बताओ थे 1 बजे बताओ थे भाग गए हैं घर से चले गए हैं। अच्छा और लोग गांव के जोर का जोन देखने तो 5 बजे सुबह गए देखने। गाँव वाले बता रहे हैं कि 5 बजे सुबह निकले हैं। हाँ, उन्होंने तहरीर जो थाने पे दी है। हाँ, तो उसमें कितना टाइम लिखवाया है? 3 बजे 2 बजे करीब में लिखा है रात को। रात उसमें 2 बजे का टाइम दिखाया है। हाँ 2-3 बजे। और गाँव वाले बता रहे हैं? हाँ 5 बजे 5 बजे भागे हैं। हाँ तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं फर्जी परेशान किया जा रहा है। मतलब तो दादा क्या चाहते हैं आगे? हम सरकार से मदद लेना चाहते हैं कि फर्जी हमका लोग फंसा रहे हैं।
सरकार से आप मदद चाहते हैं कि लोग फर्जी फंसा रहे हैं, इसकी जांच निपक्ष जांच हो, पुलिस सही से जांच करे। सही से पुलिस जांच करे। अच्छा, आपको फर्जी हमको